क्या होगा अगर दो जुड़वा बच्चों को अपने पिछले जन्म की कुछ बातें याद आने लगे। ये कहानी है 1957 की, जब इंग्लैंड में रहने वाले जॉन और फ्लोरेंस पोलक के दो बेटियों की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। उन दोनों बेटियों का नाम जियोना और जैकलिन होता है। ये घटना पोलक परिवार के लिए एक ऐसा सदमा था जो उनकी जिंदगी में कभी न मिटने वाला एक घाव छोड़ गया। लेकिन समय के साथ उनके घाव कुछ हद तक भरने लगे। फिर एक साल बाद और एक अजीब घटना घटित हुई। फ्लोरेंस ने दो जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, जिनका नाम जेनिफर और जेलियन रखा गया। और यही से शुरू होती है एक रहस्यमय दास्तां, जो आज भी एक अनसुलझी पहेली है। जेनिफर के शरीर पर ऐसे निशान थे जो जैकलिन यानी उनके पहले बेटी के जन्म के समय भी मौजूद थे। इन निशानों की समानता ने सभी को हैरान कर दिया था, लेकिन ये बस शुरुआत थी। जैसे जैसे जेनिफर और जिलियन बड़ी होती गई, उन्होंने कुछ ऐसी बातें करना शुरू किया जो सभी के होश उड़ा गई। ये छोटी बच्चियाँ उन खिलौनों को पहचानने लगी थी जिन्हें उनकी मरी हुई बहनें पहले खेला करती थी। साथ ही वह उन जगहों का भी जिक्र करने लगी थी जहाँ जियोना और जैकलिन ने कभी समय बिताया था। इतना ही नहीं, जेनिफर और जिलियन ने उन घटनाओं का भी वर्णन करना शुरू किया जो उनके जन्म से पहले घटित हुई थी। ये सभी बातें बड़ी हैरान करने वाली थी। पहले तो परिवार वाले इन सभी बातों को महज इत्तेफाक समझकर टाल रहे थे, लेकिन जब ये घटनाएं बार बार होने लगी तब परिवार के लोगों में चिंता और डर का माहौल बढ़ने लगा। जेनिफर और जिलियन का कारों से डरना भी एक अजीब घटना थी। वे अक्सर कहती थी कि कारें दुर्घटनाओं में लोगों को मार देती है। ये बयान सुनकर उनके माता पिता हक्के बक्के रह जाते थे, क्योंकि ये बातें उनके मृत बहनों की यादों से बिल्कुल मेल खाती थी। अब चीजें आसपास के लोगों में फैलने लगी थी। परिवार के लोगों ने अब इन घटनाओं को पुनर्जन्म का संकेत मान लिया था, लेकिन पूरी तरह से इस मामले को समझने के लिए उन्होंने डॉक्टर और विशेषज्ञों की सलाह लेना ही उचित समझा। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, जो कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस मामले का गहराई से अध्ययन किया, लेकिन वे भी इसे पूरी तरह से समझने में असमर्थ रहे, और इसलिए आज भी ये घटना एक बड़े रहस्य के तौर पर देखी जाती है। लेकिन क्या ये घटना सच में पुनर्जन्म को प्रमाणित करती है, या ये बस एक संयोग की श्रृंखला थी? इनकी कहानी में और एक बहुत अजीब बात थी। जैसे जैसे दोनों लड़कियां 4 साल की उम्र के करीब पहुंची, तब उनके दिमाग में जियोना और जैकलिन की ये रहस्यमय यादें धीरे धीरे धुंधली होने लगी। लेकिन यह एक आम बात थी जो पुनर्जन्म के मामलों में अक्सर देखी जाती है। 4 से 5 साल की उम्र तक आते आते वे लोग अक्सर अपने पिछले जन्म की सारी बातें भूलने लगते हैं। वैसा ही कुछ इन दोनों के साथ भी होने लगा, लेकिन उनके माता पिता उन शुरुआती रहस्यमय घटनाओं को कभी भुला नहीं सके। पोलक ट्विंस की ये कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कुछ इसी तरह की, लेकिन इससे भी ज्यादा रहस्यमय और पेचीदा घटना 1998 में हुई थी। ये घटना है अमेरिका की, जब 10 अप्रैल 1998 को एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसकी पिछले जन्म में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। ये कहानी है जेम्स हस्टन जूनियर की, जिसका आश्चर्यजनक रूप से पिछले जन्म का और इस जन्म का नाम सेम ही था, जेम्स। 2 साल का होने के कुछ समय बाद ही जेम्स को बुरे सपने आने लगे थे, जो अक्सर हफ्ते में 5 बार आते थे, जिसमें वह चीखता, विमान में आग लग गई है, छोटा आदमी बाहर नहीं निकल सकता, ऐसी अजीबोगरीब बातें वो अक्सर नींद में करता रहता। पहले तो जेम्स के माता पिता ने इन सब चीजों को एक बुरे सपने की नज़र से देखा और वो इसे टालते गए, लेकिन समय के साथ सपने देखने के बाद जेम्स की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। अपने 2 साल के बच्चे को इस हालत में देखना जेम्स के माता पिता के लिए दर्दनाक बनता चला गया, इसलिए उन्होंने डॉक्टर और विशेषज्ञों की सलाह लेना ही बेहतर समझा। महज 28 महीने की उम्र में जेम्स के ऊपर सवालों की बौछार शुरू हुई, लेकिन जेम्स के द्वारा दिए गए जवाबों से इस कहानी ने नया मोड़ ले लिया। उसने अपने माता पिता को बताया कि वह छोटा आदमी वह खुद था जो विमान से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसने आगे ये भी बताया कि उसके विमान को जापानियों ने मार गिराया था। लगभग अगले 2 हफ्तों के बाद उसने अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि पिछले जन्म में उसका नाम जेम्स था और वह एक पायलट था। उसने अपने विमान को नोटोमा नामक जहाज से उड़ाया था, लेकिन नोटोमा नाम जैपनीज लग रहा था, इसलिए जेम्स के माता पिता थोड़े हैरान हुए, लेकिन फिर भी जेम्स ने जोर देकर कहा कि वह अमेरिकी था। फिर अगले 3 महीने बीतने के बाद जेम्स ने अपनी कहानी को फिर से आगे बढ़ाया। जेम्स ने कहा कि उसका एक दोस्त था जिसका नाम जैक लार्सन था। वह जेम्स का साथी पायलट था और उसे इवो जिमा के पास गोली मार दी गई थी। समय समय बाद जेम्स द्वारा की जाने वाली ये बातें जेम्स के परिवार और डॉक्टरों को भी अब परेशान करने लगी थी।
खेल खेल में जेम्स ने एक बार अमेरिका और जापानियों के बीच नौसैनिक हवाई युद्ध को जुनूनी ढंग से चित्रित किया था, जिसमें विमान जल रहे थे, चारों ओर गोलियां और बम फट रहे थे। उन्होंने अमेरिका का नाम एकदम सही ढंग से वाइल्ड कैट्स और कॉर्सियर्स रखा था और जापानी विमानों को जैकेस और बेटिज के रूप में संदर्भित किया था। अब परिवार वाले सभी लोगों ने इन सभी चीजों पर गहराई से सोचना शुरू कर दिया था। उन्होंने इस घटना की तहकीकात करना शुरू कर दिया। जेम्स के पिता पहले से ही जानते थे कि कॉर्सियर्स एक अमेरिकी वर्ल्ड वॉर टू का विमान था। इंटरनेट पर खोज करने पर उन्होंने पाया कि यूएसएस नटोमा नामक एक विमान वाहतुक जहाज भी था जो इवो जिमा के ऑपरेशन में भाग लेता था। यहाँ एक पायलट को भी तैनात किया गया था जिसका नाम था जैक लार्सन। उसके बाद उन्होंने नटोमा के दिग्गजों से संपर्क करना शुरू किया। उन्हें एक पायलट के बारे में पता चला जो 21 वर्ष की आयु में इवो जिमा के पास मर गए थे और उनका नाम था जेम्स हस्टन जूनियर। ये सभी बातें सुनकर जेम्स के पिता की पैरों तले जमीन खिसक गई। इसमें बस एक अपवाद था कि हस्टन को FM2 वाइल्ड कैट में गोली मार दी गई थी, ना कि कॉर्सर्स में। दिग्गजों को नटोमा पर किसी कॉर्सर्स की याद नहीं आ सकी, ना ही जेम्स के विमान को मार गिराए जाने के विवरण को स्पष्ट किया जा सका। लेकिन हस्टन की बहन एनी बैरन से मिलने पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें जेम्स कॉर्सर्स विमान के सामने खड़े हुए थे, जिससे यह पुष्टि हो गई थी कि जेम्स ने इस विमान को उड़ाया था। एनी बैरन ने जेम्स द्वारा अपने पिछले परिवार के बारे में बताई गई अन्य जानकारी की भी पुष्टि कर दी, जिसमें उनके पिता की शराब की लत भी शामिल थी। जेम्स द्वारा बताई गई ये सारी बातें सुनने के बाद एनी बैरन को यह यकीन हो गया था कि यह उसके भाई का वास्तव में पुनर्जन्म है। आज की इन दोनों कहानियों में ऐसी कई सारी कड़ियां हैं जो हमें पुनर्जन्म के रहस्य से जोड़ती है। तो क्या पुनर्जन्म वास्तव में हो सकता है? पुनर्जन्म कोई आज की बात नहीं है, पिछले कई दशकों से पुनर्जन्म की कई कहानियां समय समय पर सामने आती रही है। कुछ वैज्ञानिक इसे महज एक मनोवैज्ञानिक घटना मानते हैं जो बच्चों की कल्पनाओं या पूर्व सुनी सुनाई बातों पर आधारित होती है, तो दूसरी ओर कुछ मामलों में बच्चों की सटीक जानकारी और उनकी यादें इस संभावना को जन्म देती है कि पुनर्जन्म एक वास्तविक घटना हो सकती है। हालांकि हमारा विज्ञान पुनर्जन्म को पूरी तरह से साबित नहीं कर पाया है, लेकिन जेम्स जैसे असाधारण मामलों को नजरअंदाज करना थोड़ा मुश्किल है। पुनर्जन्म का सिद्धांत केवल एक रहस्य नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के संबंध को समझने का एक तरीका भी हो सकता है। हमारे दिमाग की अज्ञात क्षमताओं और चेतना के बारे में हमारी सीमित समझ को देखते हुए यह संभावना है कि पुनर्जन्म जैसे विचार एक दिन हम विज्ञान द्वारा समझ सके। फिलहाल आज की कहानी हम यही खत्म करते हैं। बाकी पुनर्जन्म की किस्से कहानियों को हम अगली वीडियो में जारी रखेंगे, लेकिन जाने से पहले आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में।